स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? जब किसी को चोट लग जाती है तो हम उसे पहला जो ट्रीटमेंट देते हैं उसका इलाज करते हैं। जैसे कि चोट लग गया, पानी से धोना, डिटॉल लगाना, तो घर पे जो हम करते हैं वो फर्स्ट एड कहलाता है। After an accident, the first help that an injured person gets is called first aid. फर्स्ट एड क्या है? तो एक्सीडेंट के बाद जब हम फर्स्ट हेल्प देते हैं, मतलब कि इंजर्ड पर्सन मतलब घायल पर्सन कोई है और उसको हम ठंडे पानी से जहां चोट लगे वहां धो देते हैं, उसके बाद कॉटन में डिटॉल लगा के उसको साफ करते हैं, फिर कोई मरहम या ट्यूब लगा देते हैं, तो वो फर्स्ट एड कहलाता है। व्हेन वी और एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स गेट हर्ट, जब भी हमारे में से कोई भी हमारा मित्र हर्ट होता है, चोट लगती, वी मस्ट कीप काम एंड इमीडिएटली टेल एन एडल्ट, हमें शांति से रहना चाहिए और तुरंत किसी बड़े को बुलाना चाहिए। अवर टीचर्स इन स्कूल और पेरेंट्स एट होम आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। अगर हम घर पे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हैं हमारी मदद करने के लिए, अगर हम स्कूल में हैं तो हमारे टीचर्स हैं हमारी मदद करने के लिए, हमें तुरंत बुलाना चाहिए। दे गिव अस फर्स्ट एड व्हेन वी आर इंजर्ड, और वो हमें फर्स्ट एड देते हैं जब हम घायल हो जाते हैं। द फर्स्ट एड बॉक्स एट अवर होम और स्कूल शुड हैव अ बैंडेज एंड एंटीसेप्टिक लोशन, बैंडेड कॉटन एंटीसेप्टिक क्रीम, सीजर पेन रिलीविंग स्प्रे एटसेट्रा। हमारे घर पे द फर्स्ट एड बॉक्स एट अवर होम मतलब हमारे घर पे जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है या फिर स्कूल में जो होता है, तो उसमें क्या क्या बैंडेज होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, बैंडेड जो पट्टी जैसी होती है कॉटन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए जो कटे हुए पे लगा देते हैं, सीजर कैंची होनी चाहिए, पेन रिलीविंग जो दर्द होता है उस पे जो हम टेबलेट वगैरह लेते हैं वो होना चाहिए एटसेट्रा। If the wound or cut is small, अगर आपका घाव या कटा हुआ निशान छोटा है, we should first wash it with water, हमें पहले water से धोना चाहिए, then clean the area with a cotton having antiseptic, then clean the area with a cotton having antiseptic lotion, मतलब कॉटन से उस एरिया को, चोट लगे हुए एरिया को क्लीन करिए, उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन वहां पे लगाइए, देन टाई अ बैंडेज, टाई मीन्स होता है, देन टाई अ बैंडेज और क्लीन क्लोथ ओवर द वाउंड, वाउंड मीन्स होता है घाव, घाव के ऊपर, वाउंड का मतलब होता है घाव, तो घाव को हम क्लीन करते हैं, उसके बाद क्लोथ से उसके ऊपर बैंडेज को बांध देते हैं। व्हेन वी गेट अ बर्न, अगर हम कभी जल जाते हैं, वी मस्ट इमीडिएटली पुट द बर्न्ट एरिया अंडर कोल्ड वाटर और अप्लाई आइस, मतलब ठंडे पानी के अंदर हमारा जो जगह कट गया है उसको रखना, जल गया है उसको पानी के अंदर रखिए या फिर बर्फ से उस पे हल्के हल्के अप्लाई करिए, मतलब रगड़िए हल्के में। एक्टिविटी, फाइंड आउट दिस इम्पोर्टेंट इमरजेंसी नंबर्स, ये हमारे नेशनल नंबर्स होते हैं, पुलिस स्टेशन 100 इनका नंबर होता है 100, फायर ब्रिगेड 101 होता है, एम्बुलेंस 102, जब आप इन नंबर्स पे कॉल करोगे तो ये सारे फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे इमरजेंसी में, कहीं भी किसी भी मोबाइल से फोन करेंगे तो हो जाएगा। की वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके मतलब दिए हुए हैं यहाँ, सेफ्टी रूल्स, रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड टू अवॉइड एक्सीडेंट, सेफ्टी रूल्स मतलब होते हैं ऐसा रूल जिससे हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। फर्स्ट एड, फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जो पहला हेल्प दिया जाता है घायल इंसान, फर्स्ट एड बॉक्स, अ बॉक्स दैट हैज एंटीसेप्टिक लोशन, सीजर्स, बैंडेज, कॉटन, पेन रिलीविंग स्प्रे, एंटीसेप्टिक क्रीम एटसेट्रा। फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें ये सारे सामान उपलब्ध हो उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। पॉइंट टू, रिमेम्बर, याद रखने योग्य बातें, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रेवलिंग इन अ बस, ऑन द रोड, इन द प्ले ग्राउंड,
एट होम एंड इन द क्लासरूम टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हर जगह करना चाहिए. कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हो तो भी, रोड पे चल रहे हो तो भी, प्लेग्राउंड में खेलते वक्त भी, और घर पर भी, क्लासरूम में भी. टीचर्स एट स्कूल एंड पेरेंट्स एट होम गिव अस फर्स्ट एड व्हेन वी गेट इंजर्ड. जब हम घायल हो जाते हैं तो स्कूल में टीचर्स हमें फर्स्ट एड देते हैं और घर पे पेरेंट्स देते हैं.